नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्निश। बिहार में आए दिन शादियों की खबर आप सुनते होंगे, जहां प्रेम विवाह को लेकर तो कभी कभी ये भी खबरें आती हैं कि अलग धर्म अलग जात के होने के बावजूद भी दो लोग शादी करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो अच्छी बात ये है कि इन शादी में अगर परिवार वाले भी साथ दें। जी हाँ, बिहार के एक ज़िले से ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहाँ लड़की जो थी वो मुस्लिम धर्म से आती थी और लड़का हिंदू धर्म से आता था। दोनों एक दूसरे से स्कूल के टाइम से ही प्यार करते थे और प्यार करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस फैसले में उनके परिजनों ने भी उनका साथ दिया है। हिंदू रीति रिवाज में दोनों की शादी हुई, जिसके बाद इन इस शादी को लेकर काफी ज्यादा गांव में चर्चाएं भी हुई। एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की ने सोमवार को मंदिर में शादी रचा ली है। वहीं गड़खा बाजार स्थित कैलाश आश्रम में दोनों ने हिंदी रीति रिवाज से शादी कर एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया। इस शादी को देखने के लिए मंदिर में लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी जुटी थी। सात फेरों के बाद प्रेमी युगल के परिजनों ने वहां मौजूद लोगों ने अपने खुशमय जीवन का आशीर्वाद दिया। अरसे से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता चला गया। इसके बाद दोनों ने शादी करने का मन बना लिया, लेकिन धर्म आड़े आने लगा। इसके बाद गाँव में इसको लेकर पंचायत बैठी। दोनों के परिजन मजहब की दीवार तोड़कर शादी के लिए राजी हो गए। सोमवार को दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली। इसके बाद दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। तो आपको बता दें कि आप पहले तस्वीर को देखिए किस तरीके से दोनों ने हिंदू रीति रिवाज में शादी की है, जहां एक तरफ मजहब बहुत सी शादियों को होने नहीं देता है। मजहब और जात के कारण दो प्यार करने वाले मिल नहीं पाते हैं। तो वहीं बिहार के इस ज़िले से ये तस्वीर निकल कर सामने आई है, जहां दो प्यार के जो पंछी हैं वो काफ़ी दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने का उन्होंने फैसला लिया। लेकिन मजहब बीच में आ रही थी, जहां लड़की जो थी वो मुस्लिम समुदाय से आती थी और लड़का हिंदू समुदाय से आता था। लेकिन पंचायत बैठी, गाँव में पंचायत बैठने के बाद परिवारजनों ने ये फैसला लिया कि इन दोनों के प्यार के बीच मजहब दीवार नहीं बनेगी और इन दोनों की शादी मिलकर पूरे गांव वालों ने कराया। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।